अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मेडिकल स्टडी। माय नेम इज़ अरीज फातिमा एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ जनरल एनाटॉमी, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। द वर्ड एनाटॉमी इज़ derived from Greek word anatom meaning cutting up, while dissection is a Latin word, so anatomy and dissection are not synonyms। anatomy क्या है? Greek word है, और dissection क्या है? Latin word है। anatomy is the wide field of study and dissection is a technique। next there are subdivisions of anatomy। first of all cadaveric anatomy, it is the study on dead bodies, also called macroscopic or gross anatomy। इसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं डेड बॉडीज़ के ऊपर। नेक्स्ट जो है सिस्टेमिक anatomy, ब्रांच ऑफ anatomy दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर सिस्टमेटिकली। जब हम सिस्टम वाइज स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेनल सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, तो उसके इस सिस्टम वाइज स्टडी को हम सिस्टेमिक एनाटॉमी कहते हैं। टोपोग्राफिकल और रीजनल एनाटॉमी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। जैसे हमारा अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, हेड एंड नेक, हम जब डिफरेंट रीजन वाइज स्टडी करते हैं तो इसको हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। सरफेस एनाटॉमी क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स इन लिविंग पर्सन बाय इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। इंस्पेक्शन मीन जब हम देख रहे होते हैं अपनी आइज से, इंस्पेक्ट करना, एंड पैल्पेशन जैसे हम रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करते हैं अपने रिस्ट के ऊपर, तो पैल्पेशन की एग्जांपल में ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेडियोलॉजिकल और इमेजिंग एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स विद द एड ऑफ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड सिटी स्कैन। जब इन सब की मदद से हम ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसको हम रेडियोलॉजिकल और इमेजिंग एनाटॉमी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। प्रीनेटल मींस बिफोर बर्थ जो डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही होती हैं एक इंडिविजुअल में, उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इट इज़ ऑस्टोजेनी, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिवेलपमेंटल हिस्ट्री। फाइलोजेनी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। साइटोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द सेल्स, हम सेल्स की स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से टिश्यूज को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू मेडिसिन एंड सर्जरी। जब हम एनाटॉमिकल नॉलेज अप्लाई करते हैं मेडिसिन और सर्जरी में तो उसको हम अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको जेनेटिक्स कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। कंपैरेटिव एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ अदर एनिमल्स to explain the change in the form, structure and functional morphology of different part of the human body। human body का दूसरे animals के साथ comparison में study करना comparative anatomy कहलाता है। and this is the end। I definitely sure that you enjoy this video। thank you।